नमस्कार अमाला फास्ट न्यूज में मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज फिर अम्बाला की जनता को बड़ी सौगात देते हुए कई धर्मशालाओं व सड़कों का उद्घाटन किया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से अम्बाला में विकास का पहिया बड़ी तेजी से घूम रहा है। इस मौके पर उन्होंने पहले की सरकारों पर भी तंज कसते हुए कहा कि पहले तो विकास रुका हुआ था, कभी किसी ने कुछ किया ही नहीं। उन्होंने कहा कि विकास के नए नए प्रकल्प अम्बाला छावनी को दिए जा रहे हैं। आज भी कई धर्मशालाओं, सड़क व कुछ जगहों के उद्घाटन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज मोड़ा मंडी में धर्मशाला का उद्घाटन किया और वहाँ पर चल रही आंगनबाड़ी के नए भवन बनवाने के लिए भी मैंने कहा है, ताकि जो गरीब लोग हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम अपने घर में नहीं कर सकते, तो वो वहाँ पर ये कार्यक्रम कर सकेंगे। ये अपनी वो मार्केट होगी सर, इसको तो रिमूव कर रहे हैं सर, ये तो सर बिल्कुल सर अगर माइक पहले ही नहीं, माइक पहले ही नहीं, ये आगे आगे जाएगी सर, इसको हम मिलवा देंगे सर आगे तक। चलो जी, चलो सर, चलो भाई। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अम्बाला छावनी में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विकास का पहिया बहुत तेजी से घूम रहा है। पहले तो यहाँ रुका ही रहा, अभी किसी ने कुछ किया ही नहीं। अब विकास के रोजाना नए नए प्रकल्प अम्बाला छावनी को दिए जा रहे हैं। आज भी कुछ धर्मशालों की, सड़क की और जगहों की आज उद्घाटन किए जा रहे हैं, और मोड़ा मंडी में धर्मशाला का उद्घाटन किया है। वहाँ पर मैंने जो आंगनवाड़ी चल रही थी उसके लिए नया भवन बनाकर देने के लिए कहा है, वहाँ नया भवन बना देंगे, ताकि गरीब लोग हैं, छोटे छोटे घर हैं, कोई भी कार्यक्रम वो अपने घर में नहीं कर सकते। इस विकास का पहिया ऐसे ही घूमता रहेगा और भी तेजी से घूमेगा।